नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया टीवी। मैं एजाज अली आपके साथ। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर के सियासी अखाड़े की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता जैन चौधरी जिला बिजनौर में पदयात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि इनका कोई प्रोग्राम लेने को तैयार नहीं है। अपने ही कार्यकर्ताओं से गांव में रोड के किनारे पर कहीं भी अपना पिंडाल लगा देते हैं और वहां पर लोगों को किसी न किसी बहाने से इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद अपने विचार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में किसानों की जो समस्या है, यानी कि नहरें सूखी पड़ी हैं, ठेकेदार नहरें साफ नहीं कर रहा, उन मसलों को लेकर के ये बात नहीं रख रहे, बल्कि विपक्ष का रूप ये अपना रहे हैं कि भाजपा की खामियां निकाल रहे हैं, भाईचारे की बातें कर रहे हैं, बाकी ज़मीन पर जो जनता की समस्या उसकी कोई बात ये नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जनता ने इनकी बात सुनना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ पर लोग जो है मौजूद इकट्ठे नहीं हो पाए और वहाँ से लोग चले गए, सीटें खाली पड़ी रहीं। लोगों के अंदर जैन चौधरी के प्रोग्राम से इतनी जलन दिखाई दी ग्राम पंचायत सफदलपुर रहरे में जिला बिजनौर के सीटें खाली पड़ी हैं, बच्चे बच्चे खड़े हैं, ज़बरदस्ती लोगों ने इकट्ठा करके इनके कार्यकर्ताओं ने बिठाया, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं इकट्ठे हो पाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं और किसानों को लेकर के जैन चौधरी जिस तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इस बात से जाहिर होता है कि किसानों का कोई मसला ही नहीं उठा रहे हैं। पानी, यदि पीने के पानी की बात की जाए तो जनपद बिजनौर के कई ऐसी पानी की टंकी हैं जो गाँव में पानी सप्लाई करता है, यानी कि पीने का जल सप्लाई करता है, और जल विभाग की तरफ से पानी पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है। पानी की जो टंकियां हैं, टैंक है, वो सफ़ेद हाथी की तरह नज़र आ रहे हैं। ये है योगी सरकार की छवि खराब करने का मामला, लेकिन इस मसले को लेकर भी विपक्षित का रोल नहीं निभा पा रहे हैं। जैन चौधरी ने इन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान आकर्षित नहीं किया, उन्होंने मात्र जनता को अपने वोटों की तरफ आकर्षित करने के काम किया है। यदि जैन चौधरी जन समस्या पर ध्यान देते और क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देते, जनसभा तो की अच्छी बात है, लेकिन जनसभा के समय यदि ऐसा किया जाता है कि जनता की समस्या सुनी जाती है और जनता के जो क्षेत्र का हर गांव की एक समस्या कुछ ना कुछ बड़ी समस्या होती है, उस समस्या को लेकर के जनता से पूछा जाता तो शायद जनता इनके साथ जुड़ती है और ये सीटें खाली नजर नहीं आती। आइए देखिए बुलंद इंडिया। तो दोस्तों, ये मेरी और यहाँ आके मुझे तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, जो आपके प्यार भरी जो निगाहें हैं, मोहब्बत की निगाहें हैं, ये ठंडा मुझे मिल रही है, मुझे सुकून मिल रहा है कि हमारे लोग आबाद हैं, जिंदा हैं, अगले पड़ाव के लिए लड़ाई के लिए तैयार। मैं आपका पता लेने आया हूँ, आपका हालचाल लेने आया हूँ और बेहद प्यार दिया। बात मोहब्बत की होती है, ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग छोटे छोटे स्कूल को लेकर समाज में वेर और नफरत फैलाते हैं। नफरत की तो सीमा है, नफरत की सीमा है, मोहब्बत की कोई सोच नहीं। मोहब्बत ये एक ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी और मिलेगी, चाहे कोई हमें हमें कोई चीज कैसी रहेगी। तो बहुत बहुत हम मोहब्बत में बटोरने भी आए हैं, देने भी आए हैं, लेने भी आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सारे मौजूद जो आए हैं। समय कम है, एक मतदान का समय आ जाएगा। ये सरकार हमारे हमारे ये कैसे फैसले सरकार लेती है, क्यों लेती है, किसके लिए लिए, ये अब आपको समझ में आ गया, देश के आम मतदाता को समझ में आ रहा है।
आगे भी बढ़ता है। कोई गरीब आदमी ये कहता नहीं कि मेरे आगे कैसे आए। अब आप याद कीजिए, ये नोटबंदी लाए, बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया था, विदेशी कुल भाग भाग जी, और उन्होंने खूब मजाक उड़ाया है, खूब शादी करा रहे थे, और शादी के लिए कहता देखा हमारा पास क्या हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने कहा कि चौराहा ढूंढ देना, चौराहा उन्हें बता देना, अगर मेरा गलत फैसला होगा तो चौराहे भाई नहीं मिले। जिस तरह उन्होंने किसान साहब कहा था, जो 13 महीने बैठे थे।